हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे आप सब? मैं काफी दूर बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं जयपुर, और जयपुर में बड़ी सर्दी गर्मी पड़ रही है, और जब से मैं आया हूँ मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ बेवरेजेस एंड फालूदा जयपुर पर जिंदा हूँ। मैं हूँ रजवासी फालूदा वाले के यहाँ, जो है नेहरू बाजार, और यहाँ का एक नंबर फालूदा है। मैंने कल रात को भी खाया था, यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं होती, इसलिए हम शाम के वक्त आए। अब यहाँ की मेकिंग देखते हैं, उसके बाद में ट्राई करेंगे यहाँ का फालूदा। और यहाँ का जो क्लास है फालूदा का, माशाल्लाह। तगड़ा लेवल है, सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ। ये फलूदा रबड़ी जाएगी, बड़ी गाढ़ी रबड़ी है, उसके बाद में वनीला आइसक्रीम और फिर गुलाब का ओके फलूदा, फिर ये रबड़ी कुल्फी डायरेक्ट डाल रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इतना रबड़ीदार होता है ये कुल्फी डालने के बाद। इसमें आइसक्रीम लगा दो यार, इसके बाद में और आइसक्रीम आएगी इसके ऊपर। और ये 50 वाला है ना? नहीं, 90 वाला आइसक्रीम डालते हैं। अच्छा, केवड़ा बादाम आइसक्रीम है, रबड़ी वाली। और आइसक्रीम डालिए, इसमें गुलाब का शरबत डालते हैं ऊपर से। एक और बार गुलाब का शरबत हो जाएगा। अभी तैयार है? हाँ, अभी तैयार, अभी जेली डालेंगे। एक बार और जेली डाल दें इसमें। ये जेली डाल दिया अपन। गाइस, ये है रबड़ी फालूदा, और बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे इस वक्त। एंड ये दो वेरिएंट है, 50, और मैंने 90 वाला लिया है। फुल लोडेड है ये, बहुत ज़्यादा फुल लोडेड है। खाने में कैसा है ये मैं आपको खा के बताऊँ। फालूदा, रबड़ी फालूदा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड है जो आपने देखी है मेकिंग में। बहुत क्रीमी है और बहुत ठंडा और रबड़ीदार, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब उन्होंने सिरप डाला है गुलाब का, उसकी स्मेल अमेजिंग है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सो वेरी नाइस, और 90 रुपीज़ में फुल लोडेड है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये है ब्रजवासी का फालूदा, जो कि बहुत मज़ेदार है। सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर जो कुल्फी डाली हुई है, बहुत 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 रबड़ीदार है और बहुत ठीक है, और बर्फ़ का बहुत कम इस्तेमाल किया है इसमें। सो वेरी नाइस, और इस गर्मी में, सड़ी गर्मी पड़ रही है जयपुर के अंदर, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। स्पेशल रबी हमने 90 खाया, कोल्ड कॉफ़ी है 70 में, और चॉकलेट शेक 90, एंड अभी जो खाया है वो 90 में है, और पान वाला भी है यहाँ पे, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सॉफ्टी है, लस्सी है, सामने वाली शॉप पे भी सेम चीज़ेस हैं। वैसे ये स्पेशल वाला है ब्रजवासी का, बट जो 50 वाला है फालूदा जो मैंने कल खाया था, वो इससे लाइट है, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, और वो ज़रूर ट्राई करना 50 वाला, वो ज़्यादा बेटर है 90 से, ये भी अच्छा है। बट आपको अगर लाइट चाहिए एकदम गर्मी के हिसाब से, तो 50 वाला ज़रूर ट्राई करना। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ब्रजवासी का फालूदा, यहाँ का माहौल रात का। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय, अल्लाह हाफिज़। फालूदा की सबसे अच्छी बात है, पिघलने के बाद में आप पी सकते हैं आराम से। अरे इधर आ, इधर दादा इज्जत मत ले। और ये फालूदा खाने के बाद में कुछ कहना चाहता है, क्या बोल रहा था? पुदीना वाला।